बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11, ठीक है, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का जो सैंपल पेपर आया हुआ है उसे मैं आपको विद सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, वो भी हिंदी में और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपका जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है ये है, देख सकते हैं आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर, ठीक है, इसी को मैंने कन्वर्ट किया है ताकि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अच्छे से आंसर करवा सकूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर और इसकी जो इंग्लिश में बच्चों मार्किंग स्कीम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश की मार्किंग स्कीम। अगर आप ये चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पीडीएफ का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके ये पीडीएफ जो है आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर की और इसकी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका इंग्लिश की मार्किंग स्कीम, लेकिन मैं आपको दोनों ही मीडियम में अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। तो देख सकते हैं बच्चों टाइमिंग है आपकी 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 35, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 13 एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है 3, 1 से 7 आपके 2 अंक के होंगे, 8 से 10 यानी 3 प्रश्न 3 अंक के, 11 से 13 4 अंक के, ठीक है। तो सिंपल सा आपका इस तरह का पेपर का पैटर्न बन जाएगा। वही इंग्लिश मीडियम में आपके जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। अब हम चलिए सीधा चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहले सेक्शन ए यानी कि खंड का, जिसमें आपके 2 मार्क्स के 7 प्रश्न है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों हमारा, जॉन एक कॉलेज हॉस्टल में रहने जा रहा है, उसे कपड़ों की देखभाल और संग्रह करने की 4 सावधानियों के बारे में बताएं। तो हमें बताना है कपड़ों की देखभाल और संग्रह करने की जो 4 सावधानियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं सबसे पहली सावधानी, देखिए एक तो लाइन लिख देंगे, कपड़ों के संग्रह के लिए 4 सावधानियां निम्नलिखित हैं। आप देखिए सबसे पहली सावधानी है साफ और सूखा धुला, यानी कि कपड़ा जो है वो साफ हो, सूखा हो और धुला हुआ हो, यह सुनिश्चित करें कि पैक करने और दूर रखने से पहले उसमें कोई नमी ना हो, यानी कि वो गीला नहीं होना चाहिए। उन्हीं कपड़ों को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से ब्रश और ड्राई क्लीन किया जाना चाहिए, यानी कि उन्हें अच्छे से साफ किया जाना चाहिए। भंडारण से पहले यानी कि उनको स्टोर करने से पहले दाग और स्टॉच, दाग धब्बे जो होते हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए। भंडारण के लिए चुनी गई अलमारी, चाहे वो बक्सा हो, अलमारी जो भी अलमारी या धूल जिसपे आप कपड़े रखने वाले हैं उस पर यह देख लेना चाहिए कि उस पर धूल ना हो, गंदगी ना हो एवं वो कीट मुक्त होना चाहिए, यानी कि कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। पांचवा, अलमारी में ढीला पैक करें, यानी कि जो कपड़े हैं उन्हें टाइट आप पैक मत कीजिए, क्योंकि जब आप टाइट पैक कर देते हैं तो उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, इसलिए अलमारी में उससे जो कपड़े हैं वो आप ढीले थोड़े रखिए। सिक्स है, नेफ्थलीन बॉल्स, नीम के पत्ते आदि जैसे कीट विशेषक लगाएं, यानी कि जो अलमारी है जहाँ पे आप कपड़े रख रहे हैं वहां पे आप नेफ्थलीन बॉल्स या फिर नीम के जो पत्ते हैं ये सभी क्या करते हैं कि आपके जो कपड़े होते हैं उनमें एक जो गंद जैसा होता है ना, बदबू नहीं आने देते हैं, कीड़े नहीं पहुंचने देते, इसलिए आप ये विसर्ग भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, कपड़ों के संग्रह के लिए 4 सावधानियां क्या क्या है। अब इसे इंग्लिश में देख लीजिए कौन कौन सी सावधानियां हैं। देखिए लिखा हुआ है गैदर द कलेक्ट फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे देखिए ये आपके दिए हुए हैं। देखिए हिंदी मीडियम में बच्चों मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है, अब इंग्लिश मीडियम में आपको क्या चाहिए, बस एक सेंटेंस चाहिए कि आप उसे लिखेंगे कैसे, तो वो सेंटेंस मैंने आपको हमें प्रोवाइड कर दिया है, सिंपल सा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ये वाला, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में हमसे पूछा गया है बच्चों स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता और स्वास्थ्य कल्याण के पैमाने पर उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्ति में कौन से 4 गुण सामान्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये कौन से 4 गुण है हमें ये समझाना है। तो देखते हैं भाई कौन कौन से 4 गुण जो है वो हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो इसको नीचे करते हैं। हाँ देखिए सबसे पहला गुण है उच्च आत्मसम्मान, सकारात्मक दृष्टिकोण और उद्देश्य की भावना, यानी कि जो उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्ति होते हैं उनमें उच्च आत्मसम्मान की भावना हो, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए एवं उद्देश्य की भावना हो, व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का उसे अनुभव होना चाहिए, साथ ही साथ प्रतिबद्धता की ओर एक मजबूत भावना उसकी होनी चाहिए। थर्ड लिखेंगे आप एक शारीरिक रूप से फिट और एक एकीकृत स्वास्थ्य जीवन शैली, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो एक स्वस्थ होना चाहिए और उसकी जीवन शैली भी स्वास्थ्य होनी चाहिए। सीखने के लिए जारी रखने की क्षमता, यानी कि जो व्यक्ति है वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे, उसे जो वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, ठीक है। फिफ्थ लिखेंगे दूसरों के लिए चिंता, यानी कि अपने बारे में तो सोचे साथ ही में समाज के लोगों के बारे में भी सोचे, पर्यावरण का हमेशा सम्मान करें, पर्यावरण के लिए जो भी आंदोलन वगैरह होते हैं या फिर ये कह लीजिए कि पर्यावरण का वो जो दोहन होता है, विनाश होता है, उसको ना करें, उसके प्रति लोगों को जागरूक करें। जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता, यानी कि जो व्यक्ति है उसके अंदर जीवन में जितनी भी उसकी चुनौतियां आती हैं उसे सामना करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो आपने देख लिया बच्चों मुख्यतः कौन कौन से 4 गुण होने चाहिए उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्ति के अंतर्गत,
यहाँ पे देखिए मैंने 6-7 आपको बता दिए हैं, आप 4 याद कर लेंगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से अब इसको इंग्लिश में समझ लीजिए। तो इंग्लिश में है विच फोर क्वालिटीज आर कॉमनली फाउंड इन द पर्सन रेटेड हाई ऑन द वेलनेस एंड वेलबींग प्रोफाइल। तो लिखेंगे तो मेनली कौन सी है, फोर दे आर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट। तो यहाँ पे 8 आपको बता दी गई हैं, इसमें से आपको 4-5 याद कर लेंगे, सिंपल सा हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हिंदी मीडियम में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आपको मैं इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए हिंदी में तो आपको समझा दिया मैंने, अब इंग्लिश में आपको क्या चाहिए, एक सेंटेंस ये जिसे आप अच्छे से लिख सकें, फॉर्म उसको कर सकें, तो वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में पूछा गया है, थर्ड में हमसे पूछा गया है एक सेकेंड, हाँ, मयंक के माता पिता को बच्चे के पालन पोषण में स्नेहोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आप कौन से 4 तरीके सुझाएंगे। तो वो 4 तरीके कौन कौन से वो सुझाइए। तो सबसे पहला, माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को उनके कार्यों के परिणाम और उनके साथ तर्क के बारे में समझाएं और उन्हें अनुपयुक्त कार्यों को करने से रोकें, यानी कि जो बच्चे कार्य करते हैं उसके परिणामों को उसके अपने बच्चों को अच्छे से समझाएं और ऐसे कार्य करने से रोकें जो उसके लिए सही नहीं है। माता पिता को अपने अनुशासन में दृढ़ रहना चाहिए लेकिन बच्चे के साथ स्नेही और कोमल होना चाहिए, यानी कि हालांकि वो अपने लिए तो बेशक कठोर रहें आपस में माता पिता एक दूसरे के लिए, लेकिन बच्चे के लिए स्नेही हो, प्यार करने वाले होने चाहिए, कोमल रहने चाहिए। माता पिता को स्वयं उन गुणों का मॉडल यानी कि उन गुणों को दिखाना चाहिए जिसे वे बच्चे में देखना चाहते हैं। माता पिता अगर चाहते हैं कि उनका बच्चा सच बोले, अच्छा काम करे, तो वो अच्छा काम खुद भी करे और सच खुद भी बोले, तभी जो बच्चा है वो सीखेगा। फोर्थ है, माता पिता को बच्चे को अनुशासित करने के लिए दंड का उपयोग नहीं करना चाहिए और वांछनीय व्यवहार को इंगित करने के लिए स्पष्टीकरण का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो अनुशासन जब बच्चा जो है वो थोड़ा शरारत कर देता है तो उसके लिए उसे अधिक कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उसे जो प्यार से उन बातों को समझाना चाहिए। ठीक है, तो इसे से लिख देंगे आप क्वेश्चन में थर्ड का आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश में है व्हाट फोर वेज विल यू सजेस्ट मयंक प्रेजेंट टू अडॉप्ट फॉर डिस्प्लेसिंग अप्रोच इन चाइल्ड रीचिंग। तो सबसे पहले लिख दीजिए आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहाँ पे कंप्लीट। इस तरह से आप अपना जो आंसर है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपका एक ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसे भी पढ़ते हैं। ऑप्शन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि प्रीति अभी 1 सप्ताह पहले नई माँ बनी है, उसे जन्म से लेकर 6 माह तक की आयु के बच्चे की क्रियात्मक विकास का क्रम समझाइए। तो बच्चे के क्रियात्मक विकास का क्रम बताना है आपको 6 माह से लेकर। तो किस तरह से बताएंगे, तो एक टेबल बनाएंगे आप सबसे पहले तो, ठीक है, और उसमें भी एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या है, क्रियात्मक विकास का क्रम। तो देखिए 2 मार्क्स क्या है, तो आप चाहें तो 6 महीने का बताए हो ना, इसमें से 6 दिए हुए हैं तो आप इसमें से कोई 4 लिख देंगे। तो सबसे पहला है जन्म 3 महीने। 3 महीने में बच्चा क्या होता है, सिर उठा सकता है, उसे पकड़ सकता है। थर्ड है नवजात से, सेकंड नवजात शिशु अपने सिर को थोड़ा सा बगल से हिला सकता है। थर्ड 1 महीने, 1 महीने में वो अपना शरीर उठा सकते हैं। फोर्थ 2 महीने, ये पेट के बल लेटकर भी अपनी छाती को उठा सकते हैं। फिफ्थ है 3 महीने शिशु यानी कि अपना सिर पकड़ना शुरू कर देता है और यह विकास में एक प्रमुख मील का पत्थर है। यदि बच्चा 6 महीने की उम्र तक भी ऐसा नहीं कर पाता तो यह दर्शाता है कि उसके विकास में देरी हो रही है। एंड सिक्स 4 से 6 महीने पीछे से पेट और पीछे पेट के पेट से पीछे की ओर लुढ़क सकते हैं, यानी कि अब वो लुढ़कना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक जो क्रियात्मक विकास का क्रम है एक बच्चे के लिए, 6 महीने के बच्चे के लिए, वो आप यहाँ पे बता देंगे। वहीं अब आप इसे अगर इंग्लिश में समझना चाहें, ठीक है, डेवलपमेंट फॉर द चाइल्ड सिक्वेंस मोटर डेवलपमेंट, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, तो सबसे पहले बर्थ है 3 मंथ्स, फिर है न्यू बॉर्न, फिर है 1 मंथ, फिर है 2 मंथ, फिर 3 मंथ एंड 4 to 6 मंथ। तो इसमें क्या क्या बातें बताई जा सकती हैं वो आप यहाँ पे इस टेबल में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो होम साइंस का आपका यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कारण आपको बताना है, शिशु को जन्म के तुरंत बाद माता का स्तनपान कराना चाहिए क्यों। ऊर्जा के अतिरिक्त 1 वर्ष तक के बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम और लौह तत्व अवश्य मिलने चाहिए क्यों। तो पहला लिखेंगे स्तनपान क्यों कराना चाहिए।
तो शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद स्तन के दूध पर डाल देना चाहिए, यानी कि स्तन स्तन का जो दूध है उसे पिलाना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिनों के दौरान कोलोस्ट्रम के रूप में जाना जाने वाला जो पीले रंग का तरल पदार्थ उत्पन्न होता है, शिशुओं को उसे अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि यह एंटीबॉडी से भरपूर होता है, यानी कि उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है और बच्चों को जो संक्रमण होता है, जो बीमारियां होता है उससे रोकता है। WHO अगर माने तो WHO 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने की सलाह देता है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कहता है कि जब भी बच्चा नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसे तकरीबन 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ जो माता है उसका दूध पिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति जो है, जो बच्चा, वो ताकतवर भी बनता है, उसके अंदर मानसिक और जो शारीरिक बीमारियां वगैरह होती हैं वो भी उसे नहीं लगती हैं। फिर आता है ऊर्जा के अलावा बच्चों को क्या क्या मिलना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटीन, जो कि विकास के लिए सहायक होता है, कैल्शियम, जो कि स्वास्थ्य हड्डियों के लिए सहायक होता है, आयरन, जो कि रक्त की मात्रा में वृद्धि और विस्तार के लिए आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिख देंगे। आप देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश में सबसे पहले तो लिखेंगे आप द बेबी, एक सेकेंड, द बेबी शुड बी ब्रीस्टफाइड इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, उसके बाद ये वाला है, तो ए एंड बी। तो सबसे पहले ए लिख देंगे कि स्तनपान क्यों कराया जाता है, अकॉर्डिंग टू WHO के बारे में भी आप बता देंगे, एंड उसके बाद आप लिख देंगे बी का आंसर। तो बेसिक एनर्जी चिल्ड्रन शुड गेट प्रोटीन कैल्शियम एंड आयरन फोर बाय दिस वन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया है और इंग्लिश में भी आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बेल पे से सेट कर दीजिएगा बेल नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और यहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। यहाँ से आप जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं उसको अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ऑल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, ये सारे दिए हुए हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे देख सकते हैं दिए हुए हैं। ठीक है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिंदी। और बच्चों आप सभी सैंपल पेपर अगर एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम इस तरह से दिया हुआ है, क्लास 11 सैंपल पेपर अटेम्प्ट 2021। इसका जो लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से सभी प्लेलिस्ट जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो आप यहाँ से आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यदि छोटे बच्चों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त तरीके से नहीं हुई हो तो उन्हें पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं। उन 4 रोगों को सूचीबद्ध करें जो बचपन में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। तो सिंपल आपको बताना है बचपन में जो रोग पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, कोई 4 आपको समझा। तो सबसे पहला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण कौन कौन से होते हैं? विकास मंदता, संक्रमण के कारण दस्त और निर्जलीकरण, यानी कि पानी की कमी, दस्त हो जाना, अन्य कई प्रकार की बीमारियां, एनीमिया, आयरन की कमी के कारण होती है, पोषण संबंधी अंधापन, यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है ये, रिक्टेस और ऑस्टियोपेनिया, ये हड्डी से संबंधित है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है, घेंगा यानी कि एक तरह से थायराइड ग्रंथि का बढ़ना होता है जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो जो बच्चे छोटे होते हैं जब, उन्हें तो उन्हें पोषक तत्व जो है वो भरपूर मात्रा में दिए जाने चाहिए, ताकि उन्हें प्रोटीन, एनीमिया, पोषण संबंधी ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनसे बचाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी डिसीज दैट मे अकर इन चाइल्डहुड, तो प्रोटीन एनर्जी, एनीमिया, नेचुरल ब्लाइंडनेस, रिक्टिस एंड जिक्टियोल। तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट इसके लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। 5 का जो आपका ये पहले तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन था, अब आता है आपका अथवा वाला प्रश्न। ठीक है, तो अथवा भी एक प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी तक हमें 2 अथवा आपके देखने को मिल गए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, देखिए कि अच्छा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छे पोषण पर ही निर्भर करता है। वास्तव में बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाने के टीकाकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका 9 महीने तक बच्चों के लिए दिए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण टीकों के नाम को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नामों को सूचीबद्ध करना है, और अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पे नाम भी आपको पूर्ण भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एज ऑफ चाइल्ड, बर्थ, अब कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, यानी कि कौन सी दवाई मेडिसिन होती है, 6 वीक्स में, 10 वीक्स में, 14 वीक्स में एंड 9 मंथ्स में। तो ये सारी जो है वो एक तरफ एज ऑफ चाइल्ड लिख देंगे, एक तरफ वैक्सीन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए फुल नेम ऑफ इंपॉर्टेंट वैक्सीन कौन कौन से हैं, तो BCG,
ओपीवी, डीपीटी, एचईबी, एचआईबी, ये सारी चीजें जो है इसको आप एक्सप्लेन यहाँ पे करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर तो आप इंग्लिश में भी लिख देंगे तो भी आपको, हिंदी में अगर आप लिखते हैं इंग्लिश में भी तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ये जो नॉर्मल क्वेश्चन था वो भी हो गया, और जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, यहाँ पे पूछा गया है हमसे, नदीम पूर्व विद्यालय बच्चों के लिए एक रेडीमेड परिधान स्टोर खोलने की योजना बना रहा है, इस आयु वर्ग के लिए कपड़ों का चयन करते समय उसे किन चार विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए? तो पूर्व स्कूली उम्र के बच्चों के लिए जो कपड़ों की विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, चलिए उसे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले है, वस्त्रों को टूट फूट का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो बच्चे अगर खेलते हैं तो उसमें जो है जो ना ही तो बच्चे को ज्यादा चोट लगे, मतलब वो आसानी से खेल सके, ऐसा कुछ। बड़ी और आरामदायक नेकलाइन होनी चाहिए, बच्चों में कॉलर से बचना चाहिए, जो कपड़े हैं उनके कपड़ों में जो कॉलर है बच्चों के लिए उनमें कॉलर नहीं हो, डिजाइन थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, रंग जो है वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को अच्छा लगे, कपड़े जो है वो हल्के वजन वाली सामग्री से बने होने चाहिए जो पहले से सिकुड़े हों और उन्हें देखभाल में भी वो आसानी से हो। प्री स्कूलर के लिए कपास सबसे उपयुक्त तो कपड़ा होता है, यह स्वच्छ भी होता है, शोषक भी होता है, यानी कि गर्मी कम देता है, धोने में आसान भी होता है। फिर है, पहनने के लिए तैयार प्री स्कूलर की पोशाक पर डिजाइन सुविधाओं को देखभाल में आसानी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कि पूर्व स्कूली जब आपको स्कूल खोलते हैं तो आपको बच्चों के कपड़ों के लिए किन किन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए वो यहाँ पे सारी चीजें बताई गई है। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है आपका 6, अब आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। तो द फीचर्स ऑफ प्री स्कूल ए चिल्ड्रंस गार्मेंट्स आर, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इसमें से आपको कोई चार लिख देने हैं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेक्शन ए का हमारा ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है, आपकी बहन 7 माह की शिशु की माँ है, उससे दो उपयुक्त पूरक आहार सुझाइए। तो पहले दो उपयुक्त पूरक आहार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले पूरक खाद्य पदार्थ कौन कौन से, एक है अंडे की जद्दी 7 महीने तक और आधा चम्मच से शुरू किया जाना चाहिए, दाल और अनाज अलग से या फिर संयोजन से अच्छी तरह से पकाया जाए, दूध भी और चीनी भी इसमें आप मिला सकते हैं, दूध और चीनी भी बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए पूरक आहार। अब देखिए पूरक आहार के लिए दो महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का उल्लेख करें जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से दिशा उल्लेख हैं उसे समझते हैं। तो दिशा उल्लेख के लिए देखिए यहाँ पे 5 दिए गए, आपको कोई 2 बताने हैं। ठीक है, तो पहला है, एक समय में केवल एक ही भोजन पेश किया जाए बच्चों के लिए, शुरुआत में कम मात्रा में ही बच्चों को भोजन खिलाना चाहिए और उसे धीरे 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 बढ़ाया जाए, अगर बच्चे को कोई खाना पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती ना करें, कुछ उसे खिलाने के लिए आप कोई दूसरा व्यंजन ट्राई कीजिए। छोटे बच्चों को बच्चे जो उन्हें मसालेदार और तले हुए पदार्थ जो खाद्य पदार्थ है उन्हें नहीं खिलाना चाहिए, व्यक्तिगत नापसंदगी दिखाएं, बिना सभी प्रकार के भोजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चे जो है उन्हें सभी प्रकार का भोजन खिलाया जाना चाहिए जो कि उनके लिए स्वास्थ्य के लिए काफी सही हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आई होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरक खाद्य पदार्थ कौन से हैं, अंडे के जद्दी, दाल और अनाज, और पूरक आहार के लिए दिशा निर्देश कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड फॉर फूड एग्जाम्पल्स, तो एग योक, पल्सेस एंड केलेश, और उसके बाद गाइडलाइंस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो फर्स्ट आपको देखिए कोई 2 बताने हैं, ज्यादा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 2 लिखने हैं, अगर ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इसे और ये जो 5 पॉइंट है वो पूरे के पूरे लिख देंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ सेक्शन ए के सभी प्रश्न उत्तर। तो देखिए यहाँ से सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है, कपड़ों के संग्रह के लिए 4 सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, गाइड द कलेक्शन कम्युनिकेशन। उसके बाद मुख्य निम्नलिखित 4 गुण कौन होने चाहिए उच्च श्रेणी के व्यक्ति में वो यहाँ पे देख लीजिए, एंड इंग्लिश में जो है मेनली फॉलोइंग आर क्वालिटीज शुड बी देयर। 6th है कि अनुशासन दृष्टिकोण के लिए 4 तरीके कौन कौन से होने चाहिए वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है इंग्लिश में 4 वेज अडॉप्ट एफए और एनी डिसिप्लिन अप्रोच इन चाइल्ड चाइल्ड रियर, एंड फिर यहाँ पे है क्रियात्मक विकास का क्रम, जो बच्चा है 6 महीने तक का तो उसे आप इस तरह से लिख देंगे, फिर इंग्लिश में आप इस तरह से लिख देंगे। 4th क्वेश्चन है कारण बताना है स्तनपान क्यों कराया जाता है और ऊर्जा के अतिरिक्त और भी जो भोजन तत्व है वो क्यों मिलना चाहिए बच्चे को,
फिर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप इस तरह से लिख देंगे। फिर आता है महत्वपूर्ण कमी होने के कारण, मतलब जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होने के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, किस पोषक तत्व की वजह से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में आपको सूचीबद्ध करना है टीकों को, तो टीके यहाँ पे सूचीबद्ध किए गए हैं और इसका फुल फॉर्म जो है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आ जाती है कोई चार विशेषताएं आपको बता दी है, पूर्वी पूर्व स्कूली जो उम्र के बच्चे हैं उनके कपड़ों की खरीदने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। एंड इंग्लिश में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख देंगे। अब आ जाते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले पूरक आहार क्या होता है ये समझा दिया, पूरक आहार के लिए जो दिशा निर्देश है ये समझा दिया हमने। और उसके बाद इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स एग्जाम्पल्स एंड गाइडलाइंस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो सेक्शन ए हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन बी अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेक्शन बी में हमारा सबसे पहला प्रश्न देखिए, अब जो है वो आपके 3 मार्क्स के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सेकेंड, बचत की गई धनराशि का निवेश बुद्धिमत्ता पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि यह आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सके, और विवेकपूर्ण निवेश के 6 प्रमुख सिद्धांतों की संक्षेप में आपको व्याख्या भी करनी। तो कैसे करेंगे भाई, देखो तो विवेकपूर्ण मूल सिद्धांत, मूल के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से, देखिए 3 मार्क्स का है तो आप 4 भी पूरे बता देते हैं तो भी आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला है मूलधन की सुरक्षा, ब्याज अर्जित करने के लिए मूलधन सुरक्षित होना चाहिए, यह सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र, बैंकों में सावधि जमा, ये सभी क्या है उदाहरण है। फिर आता है वापसी उचित वापसी की उचित दर, निवेश पर वापसी की दर जितनी अधिक होगी जोखिम उतना ही अधिक होगा, पैसा निवेश करने से पहले विभिन्न योजना और विकल्पों से जुड़े ब्याज दर और जोखिम की तुलना हमेशा कर लेनी चाहिए आप सभी को, तरलता मूल्य का त्याग किए बिना प्रतिभूतियों को नगदी में बदलने की क्षमता, एक निवेश जितना अधिक तरल होता है उसकी जो कीमत है उतनी ही अधिक होती है, आसान पहुंच और सुविधा, पारिवारिक निधियों के लिए निवेश विकल्प चुनते समय इसकी सफलता के लिए आवश्यक ज्ञान पर हमें विचार करना चाहिए जिससे कि जो विवेकपूर्ण जो निवेश है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट है, इसे आप चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। विश्व परिस्थितियों के प्रभाव की मान्यता, आवश्यक वस्तुओं में निवेश एवं निवेश सेवा के बाद, तो ये सारे पॉइंट आप अलग से भी अगर चाहें तो बता सकते हैं जब 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। 3 मार्क्स में पूछा गया है तो आप ये 4 एक्सप्लेन कर देंगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए इंग्लिश में कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग साउंड साउंड इन्वेस्टमेंट, तो सेफ्टी और प्रिंसिपल अमाउंट, रिजनेबल रेट फॉर रिटर्न एंड लिक्विडिटी। एंड उसके बाद आ जाते हैं, अभी एक दो और हैं, एक दो यहाँ पे दिए हुए देखिए, इजी एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, 8 हो गया कंप्लीट आपका हिंदी और इंग्लिश में भी। अब देखिए 8 में जो आपका एक ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर तो हम ही बताएंगे अभी। क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन क्या पूछता है देखो, क्वेश्चन हमसे पूछता है आपके पड़ोसी अपने घर से किसी जमीन घर से सटी जमीन खरीदने के लिए पैसा उधार लेना चाहते हैं, क्रेडिट ऋण सुविधा की किन्हीं 2 स्रोतों के बारे में बताइए। तो 2 मुख्य स्रोत हैं, एक तो आप वाणिज्यिक बैंक से ले सकते हैं, सहकारी बैंक से या फिर कृषि बैंक से ले सकते हैं, ऋण संघ से भी ले सकते हैं, स्वयं सहायता संघ समूह जो होते हैं उनसे भी ले सकते हैं। क्रेडिट के 4C के बारे में अवगत कराइए जिनका उपयोग करके आमतौर पर उधार देने वाले बैंक या फिर वित्तीय संस्था द्वारा क्रेडिट देने का निर्णय लेने का किया जाता है। तो देखो क्रेडिट के 4CAC कौन कौन से हैं, 4C, तो सबसे पहले चरित्र का अर्थ है, सहमति के अनुसार ऋण चुकाने की इच्छा और दृढ़ संकल्प भले ही उधारकर्ता की अपेक्षा से अधिक लागत और सुविधा पर हो। क्षमता का अर्थ है किसी दायित्व का पूरा करने की क्षमता जब वह देय हो। पूंजी का अर्थ निवल मूल्य, फिर संपार्श्विक में पूंजी की विशिष्ट इकाइयां होती हैं जिन्हें किसी दिए गए ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर जो है वो क्रेडिट के 4CAC के बारे में आप इस तरह से लिख देंगे। बच्चों इसका सही आंसर अगर आपको पढ़ना है तो आप सपोर्ट मटेरियल का जो आपका चैप्टर नंबर शायद 16 है मेरे हिसाब से उसे पढ़िएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में ये सभी पॉइंट्स जो आपको हैं वो अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी कमर्शियल बैंक, सेल्फ ग्रुप्स, कॉपरेटिव बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक्स, 4CS क्रेडिट, ये क्या चीज है ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला प्रश्न खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में बच्चों हमसे पूछा गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए
कपड़ों का चयन उनकी क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। इस कथन के समर्थन में शारीरिक एचएम बच्चों के वस्त्रों की किन्हीं छह विशेषताओं को आपको दर्शाना है। तो छह विशेषताएं वो कौन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहली है आराम प्राथमिक मानदंड है, यानी कि कपड़े ऐसे होने चाहिए जो उसे आराम दें। गर्मी के लिए कपास सबसे पसंदीदा कपड़ा होता है, और सर्दी के लिए मखमल, कार्डराइट और कोट उनके कपड़े उन्हें दिए जाने चाहिए। यदि बच्चे ऑर्थोटिक उपकरणों का व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं तो वस्त्र घर्षण का सामना कर सके, ऐसे मजबूत वस्त्र उन्हें देने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है वो आप इसमें लिख देंगे। तो दो पॉइंट आपके यहाँ पे हो गए। आगे देखते हैं अपने पॉइंट जो है, एक सेकेंड, आगे देखिए। दो पॉइंट तो आपको यहाँ पे हो गए। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट कि गार्मेंट्स यानी कपड़े में कैलिपर्स और ब्रेजेस के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में शुद्धिकरण होना चाहिए। कपड़ों को धोना आसान होना चाहिए, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए पहनना और उतारना सरल होना चाहिए। इसीलिए व्यापक नेकलाइन, इलास्टिक के साथ कमर बेल्ट, सामने की खुली जेब और सामने की जेब पसंदीदा विकल्प हो सकते हैं। रंग और प्रिंट में सौंदर्य अपील ताकि पहनने वाले को अच्छा लगे, उन्हें अच्छी तरह से सिला होना चाहिए फिर भी, जो कि पहनने में आसानी कर सकें। कपड़े न केवल आंखों को आकर्षक और पहनने में आरामदायक होने चाहिए, बल्कि पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होने चाहिए। यानी कि कपड़े ऐसे होने चाहिए जिससे समाज में कोई लोग, बच्चे या फिर कोई बड़े लोग जो उसे गंदा ना कहें। ठीक है, क्योंकि कई बार कपड़े आप देख सकते हैं, अभी तो फैशन का जमाना है, तो क्या होता है कि आप जो है वो मतलब कि फैशन के चक्कर में फटे फटे जीन्स भी पहन लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई, कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए। उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे तो देखिए, गार्मेंट फॉर चिल्ड्रन हु स्पेशल नीड्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड एसोसिएटेड डिफिकल्टीज। तो कौन कौन से आप लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स? तो देखिए पहला पॉइंट जो है, एक सेकेंड, ये रहे आपके कुछ पॉइंट ए बी सी डी एंड ई, ये हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। उसके बाद देख लेते हैं आगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9, आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्न में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी ज्यादा ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th में हमसे पूछा गया है, शालिनी को अपनी नई नौकरी से प्रथम वेतन प्राप्त हुआ है, ठीक है, आय से प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए बजट का अर्थ समझाइए। तो सबसे पहले बजट का अर्थ देख लेते हैं। बजट का अर्थ इस तरह से लिखेंगे, धन के उपयोग के लिए बजट सबसे आम नियोजन उपकरण है। एक बजट भविष्य के व्यय की योजना है। एक परिवार के बजट में एक महीने या एक साल के लिए आय और व्यय के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह अवधि के दौरान आय के सभी स्रोतों और विभिन्न शीर्षकों के तहत व्यय की सभी वस्तुओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरंजन, यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवा और बचत का यहाँ पर उल्लेख करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका बजट का अर्थ। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक अच्छा बजट बनाने के लिए पांच जो चरण है उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है, मार्गदर्शन करना है। तो देखिए ये भाई पांच जो चरण है वो कौन कौन से हैं? तो बजट बनाने के लिए मुख्यतः पांच चरण होने चाहिए। पहला, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की हमें सूची बना लेनी चाहिए कि हमारे लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है, कौन सी सेवाएं हमारे लिए जरूरी हैं। लागत का हमें अनुमान लगा लेना चाहिए कि कौन कौन सी लागत, कितना पैसा लगने वाला है। कुल अपेक्षित आय का अनुमान लगा लेना चाहिए कि क्या क्या कितने में लगेगा। अपेक्षित आय और व्यय को संतुलन में रखें और योजना की जांच कीजिए, जो योजना आपने बनाई है उसकी जांच करें कि इसमें अभी और क्या सुधार किया जा सकता है, तो उसको सुधार भी कीजिए। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में समझ में आ गया आपको बजट का अर्थ और बजट बनाने के मुख्य पांच चरण कौन कौन से हैं। आप इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर जो बजट है, व्हाट इज द बजट। उसके बाद आप लिखेंगे देयर आर मेनली फाइव स्टेप्स इन मेकिंग अ बजट। कौन कौन से फाइव स्टेप्स हैं ये वाले, तो ये फाइव स्टेप्स आप बजट के मेकिंग में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आपका जो सेक्शन बी है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। सेक्शन बी में आपको दोबारा से यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, विवेकपूर्ण निवेश के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए ये लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर अथवा में पूछा गया था ऋण सुविधा के मुख्य स्रोत और क्रेडिट फॉर सीएससी का जो वर्णन है वो बताइए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। मेन्स फॉर क्रेडिट फैसिलिटी एंड फॉर सीसी फॉर ऑफ क्रेडिट। 9th है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गार्मेंट्स का चयन विकलांगता के प्रकार और संबंधित कठिनाइयों के अनुसार किया जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे आप 6 से 7, ये देख सकते हैं। फिर 9th में देख लीजिए जो इंग्लिश का है, ठीक है, उसके बाद 10th तो आपको मैंने अभी बताई दिया है। बजट का अर्थ क्या होता है, बजट बनाने के जो मुख्य पांच चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हिंदी में हो गया, अब इंग्लिश में बजट एक्सप्लेनेशन, दे आर मेनली फाइव स्टेप्स इन मेकिंग अ बजट। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन बी अब आपका खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 4 मार्क्स का है। स्वास्थ्यता के समग्र दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए एक रेखा चित्र के द्वारा
स्वास्थ्य जीवन शैली के 8 आयामों को दर्शाइए। उसके बाद जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए रेखा चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ आयामों को यहाँ पे वर्णन करेंगे, 8 आयामों को। तो आधे आधे मार्क्स के आपके 8 आयाम हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले लिखेंगे स्वास्थ्य जीवन शैली के आयाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सामाजिक पहलू, यह दूसरों के साथ अन्योन्याश्रयता, दोस्त बनाने और दूसरों के साथ अच्छा संपर्क, संतोषजनक और स्थिर संबंध रखने पर जोर देता है। फिर है शारीरिक पहलू, यह एक जीवन शैली के लिए जानबूझकर विकल्पों को संदर्भित करता है, जिससे पर्याप्त शारीरिक गतिविधि, अच्छी तरह से संतुलित आहार और अच्छी फिटनेस इसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये हो गए आपके, सामाजिक पहलू, शारीरिक पहलू। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड है बौद्धिक पहलू। बौद्धिक पहलू क्या कहता है, इसमें उस सीमा को शामिल किया जाता है जिसमें कोई रचनात्मक उत्तेजक मानसिक गतिविधि को संलग्न किया जाए। व्यावसायिक पहलू क्या होता है, यह किसी के काम के प्रति संतुष्टि और उसका काम में कितना समृद्ध महसूस करता है वो ये समझाया जाता है। फिर आता है भावनात्मक पहलू, यह जागरूकता और स्वीकृति की डिग्री के निकटता से संबंधित होता है, जिस और जो किसी भावनाओं के बारे में बताता है। आध्यात्मिक पहलू क्या होता है, यह जीवन और जीवन के अर्थ उद्देश्य की तलाश में किसी भी निरंतर भागीदार को संबोधित करता है। ठीक है, सिक्स्थ हो गया। उसके बाद देखिए सेवंथ एंड एट्थ, सेवंथ है पर्यावरणीय पहलू, यह मनुष्यों और पर्यावरण के बीच जो परस्पर क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, उसके बारे में बताता है। वित्तीय पहलू, यह सूचित निर्णयों लेने वाले वित्तीय संसाधनों को बुद्धिमानी और प्रतिबंधित करने के लिए, बचाने के लिए, निवेश करने के लिए और भविष्य के लिए योजना बनाने के तरीकों पर, तरीके जो उनको सीखने पर केंद्रित करता है। तो कौन कौन से हो गए हमारे 8 पहलू। ठीक है, देखिए सबसे पहला पहलू हो गया हमारा सामाजिक पहलू, शारीरिक पहलू, बौद्धिक पहलू, व्यावसायिक पहलू, भावनात्मक पहलू, आध्यात्मिक पहलू, पर्यावरणीय पहलू और वित्तीय पहलू। तो ये तो हो गए हिंदी मीडियम में। अभी इसका डायग्राम भी हम देखेंगे, उससे पहले इंग्लिश मीडियम में इसके आंसर समझिए। देयर आर डायमेंशंस टू बी हेल्थी लाइफ, सोशल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स। और उसके बाद अभी आगे और भी हैं आपके, ठीक है, ये है यहाँ पे इमोशनल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, फाइनेंशियल। अब समझिए इसका जो डायग्राम है, तो डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल, स्पिरिचुअल, टोटल है वेलनेस यानी कि स्वास्थ्य के। तो ये चित्र किसके बारे में बताता है, द डायग्राम शोइंग अ होलिस्टिक अप्रोच टू वेल बीइंग, यानी कि हमें बताता है स्वास्थ्य जीवन शैली की कुछ जो यहाँ पे बताया गया क्या था हमारा, एक सेकेंड, आयाम। ठीक है, आयाम बताता है। उसके बाद ये तो हो गया आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए आपके तीन प्रश्न है, एक एक मार्क्स का है, मतलब दो आपके एक मार्क्स के हैं और बाकी फिर एक दो मार्क्स का। तो पहला है दाग हटाने के लिए, देखिए सबसे पहले क्या है कि कार्तिक के सूती पैंट पर तेल के कुछ धब्बे हैं, तो आपको बताना है दाग हटाने के लिए उसे कोई दो उपयुक्त दाग हटाने वाले साधन या फिर अभिकर्मक सुझाइए। 4 अन्य सामान्य विचार भी बताइए जिनका ध्यान उसे इन दागों को हटाते समय रखना चाहिए। 1 रेडीमेड काली पैंट को देखभाल लेवल पर ब्लीच ना करें तथा छाया में सुखाएं के निर्देश को दर्शाने के लिए उपयुक्त चिन्ह बनाइए। और जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उन्हें चिन्ह नहीं बनाना है, उन्हें दाग धब्बे हटाने की कोई 2 तकनीकों के नाम लिखने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे जो दाग हटाने के लिए उपयुक्त साधन है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए दाग हटाने के साधन क्या हो सकते हैं, तारपीन हो सकता है, मिट्टी का तेल हो सकता है, सफेद पेट्रोल हो जाएगा, मिथाइलेट सिप्रेट हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ग्रीस, अवशोषक चोकर, कूलर की एक सेकंड, ये कुछ नहीं है, क्रैकर पाउडर हो जाएगा, स्टॉच हो जाएगा, फ्रेंच या फिर चाक, ये अन्य जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, जो दाग धब्बे वगैरह होते हैं उसको हटा देती हैं। ठीक है, उसके बाद 4 अन्य विचार हमें बताने चाहिए। तो 4 अन्य विचार क्या क्या हो सकते हैं, देखिए मैं आपको बहुत सारे बता देता हूँ, आप इसमें से 4 याद रखिएगा। पहला, ताजा होने पर दाग हटा दे, जैसे ही दाग लगे उससे हटा देना चाहिए। दाग की पहचान कीजिए और इसे हटाने के लिए एक सही प्रक्रिया का उपयोग कीजिए। अज्ञात दागों के लिए एक साधारण प्रक्रिया से शुरू कीजिए और एक जटिल प्रक्रिया की ओर बढ़ते चलिए। एक मजबूत एजेंट के साथ एक बार के उपयोग की तुलना में माइल्ड अभिकर्मक का बार बार उपयोग बेहतर होगा, यानी कि एक बार में ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा बार उपयोग करें। दाग हटाने के बाद सभी कपड़ों को साबुन के घोल से धोएं ताकि उसमें से रसायनों के सभी निशान निकल सके। धूप में सूखे कपड़े धूप के रूप में, प्राकृतिक ब्लीच के रूप में कार्य करते हैं। नाजुक कपड़ों के लिए कपड़ों के एक छोटे से हिस्से पर रसायन का प्रयोग करें, अगर वे कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं
तो उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए। ठीक है, तो कौन कौन से सामान्य विचार हमें रखने चाहिए जब आप दाग हटा रहे हो, ये कुछ आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर है आपको ब्लीच ना करें और छाया में सुखाने के लिए उपयुक्त चिन्ह बनाने हैं, तो चिन्ह क्या क्या बना देंगे। ठीक है, तो देखिए चिन्ह आप बना देंगे डू नॉट ब्लीच, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से, इन तीनों में से कोई एक चिन्ह आप बना देंगे। ड्राई इंस्टेड, तो छाया में सुखाएं, तो इस तरह से ये भी बना सकते हैं या फिर ये भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थर्ड आपका हो गया ये। अब थर्ड में ही जो है वो विजुअल इंपायर्ड बच्चों के लिए था कि दाग हटाने की दो तकनीकें बताइए। तो दो तकनीक है, स्क्रैपिंग, डुबकी पोंछना, ड्राफ्ट विधि। डुबकी यानी कि उसको पानी में डालना और फिर वापस निकालना। ठीक है, तो दाग हटाने के दो तरीके ये हो जाएंगे। अब समझिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। कार्तिक हैज सम ऑयल्स स्टेन्स ऑन हिज कॉटन। तो सबसे पहले आपको बताना है सुटेबल स्टेन रिमूवल्स जो है वो आप ये समझाएंगे। उसके बाद जनरल कंसिडर वी शुड कीप इन माइंड रिमूविंग दैट, तो आपको चार बताने हैं। और उसके बाद आपको ड्राई इंस्टेड, ड्राई नॉट ब्लीच, ये आपको समझाना है। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब देखिए इसका इंग्लिश में आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे आप ग्रीस सॉल्वेंट्स, ये क्या होता है ये समझा देंगे इतने में। एंड जनरल कंसिडरेशन रिमूवल फॉर स्टेन्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, आप कोई यहाँ पे चार याद कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे सिक्स आता है विजुअल इंपैर्ड के लिए। और जो ये तीसरे का जो है, तीसरे का विजुअल इंपैर्ड बच्चों के लिए है सी का, तो स्क्रिपिंग, डिपिंग, स्पॉन्किंग, ड्रॉप मेथड, ये सारी चीजें आप बता देंगे, टेक्निक्स फॉर स्टेन रिमूवल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका पार्ट वन है, ठीक है, ये तो अथवा वाला भी इसमें एक प्रश्न आएगा, वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों यहाँ पे। चलिए अब आपको अथवा वाला प्रश्न समझाते हैं। अथवा वाला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है सविता ऊनी कालीन को ड्राई क्लीन करवाना चाहती है ताकि उस पर जमा जो ग्रीज है उसे वो साफ कर सके। तो अब देखिए इस पर उसी से संबंधित प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न है वो समझिए। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है ड्राई क्लीन के लिए उसे सर्वाधिक रूप से उपयोग किए जाने वाले दो विलेयकों के नाम बताइए। तो इस मिनट में इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आंसर आपको साथ ही साथ बताऊं। ठीक है, तो आपको दो विलायकों के नाम बताने हैं। तो देखिए ड्राई क्लीनिंग के लिए सबसे आम सॉल्वेंट्स का उपयोग किया जाए, फल्केरो जो एल्थीन है उसका उपयोग किया जाए, एक पेट्रोलियम विलायक का उपयोग किया जाए, एक फ्लोरो जो फ्लोरोकार्बन है इसको उपयोग किया जाए, फ्लोरो एल्थीन है इसका उपयोग किया जाए। ड्राई क्लीन की प्रक्रिया को आपको संक्षेप में समझाना, तो ड्राई क्लीन की प्रक्रिया भी हम देख लेंगे। स्त्री ना करें और ठंडे जल का प्रयोग करें, इसके लिए आपको क्या दर्शाना है, चित्र बनाना है। और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको आपको कोई दो विधियां बतानी है धुलाई के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमने देख लिया कौन कौन सी विलायक जो विलायक है उनका उपयोग करना चाहिए। अब देखिए ड्राई क्लीन क्या है, तो जब साफ स्वेल्स या अवशोषक द्वारा की जाती है जो सफाई है तो उसे ड्राई क्लीन कहा जाता है। यह आमतौर पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है ना कि घरेलू स्तर पर। आइटम को ड्राई क्लीनर में लाया जाता है और एक टैग के साथ पहचाना जाता है जिसमें विशेषण निर्देशित शामिल होते हैं। पहले स्टॉप बोर्ड पर वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है और फिर उपचार किया जाता है। जो ग्राहक ड्राई क्लीनर के दागों की पहचान करते हैं वे सफाई कार्य को आसानी एवं संतोषजनक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट है, इसे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। थर्ड भी देख लीजिए कि कुछ ड्राई क्लीनर फेदो पिलो कंबल किल्ट कारपेट इन सभी को साफ भी करते हैं, तो ये अलग से भी आप पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हो गया आपका। अब आपको चित्र बनाना था, चित्र किसके लिए है, डू नॉट आयरन, ठीक है, यानी कि प्रेस का उपयोग ना करें और वाटर का उपयोग करें। तो डू नॉट आयरन को आप इस तरह से बता सकते हैं, या फिर यूज कोल्ड वाटर, तो इस तरह से आप इसे कोल्ड वाटर को इस तरह से बता देंगे, आयरन को आप इस तरह से बता देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड 12 का, ये अथवा वाला थर्ड कंप्लीट। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया था, दो विधियां दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो घर्षण धुलाई है, सानना और फैलना है, ये क्या है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि उसको रगड़ना होता है, मशीनों से धुलाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। तो इंग्लिश में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसके जो आंसर है वो यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट ए पार्ट बी एंड विजुअल इंपैर्ड बच्चों के लिए ये है, और जो आपका चित्र था वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13, सबसे आखिरी प्रश्न है बच्चों हमारा। 13 प्रश्न में पूछा गया है 8 वर्षीय सलोनी विभिन्न आकारों की वस्तुओं को क्रम में आसानी से व्यवस्थित कर सकती है,
पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था को पहचानिए, इस अवस्था की किन्हीं तीन विशेषताओं को उदाहरण से बताइए। तो क्रैंकेट परिचालन चरण 7 से 11 वर्ष, यह चरण मध्य बचपन के चरण से मेल खाता है। तो अब देखिए इसकी हम विशेषताएं समझते हैं। तो विशेषताएं कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहली विशेषता आप इस तरह से लिख देंगे, बच्चा आम मानसिक रूप से किए गए कार्यों को उलट सकता है और एक ही समय में कई आयामों या किसी समस्याओं के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। दूसरे गिलास में पानी डालने का उदाहरण है कि वह तर्क कर सकती है, जब पानी चौड़े गिलास में संकरी गिलास में डाला जाता है तो पानी की मात्रा नहीं बदलती क्योंकि कुछ ही नहीं डाला गया है, कुछ भी डाला नहीं गया है। थर्ड है, इस अवस्था में बच्चे कम अहंकारी होते हैं, वे देखते हैं कि अलग अलग लोग एक ही घटना को अलग अलग स्थितियों और मूल्यों में विभिन्न सेटों के कारण अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। यह भावनाओं के विकास में विशेष रूप से सहानुभूति और सहानुभूति की भावनाओं में उसके बच्चे बच्चे को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हो गई आपकी दो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक दो विशेषताएं और हैं। एक विशेषता और है आपकी, ये काफी बड़ी विशेषता है, क्या है, बच्चा एक स्थिर संख्या अवधारणा विकसित कर सकता है, वह समझता है कि एक विशेष संख्या जितनी मात्रा को दर्शाती है और गिनती में त्रुटि नहीं करती, वह समझ सकता है कि एक विशेष वस्तु कई अलग अलग श्रेणियों से संबंधित हो सकती है। फलों का उदाहरण, फलों को बीज वाले और बिना बीज वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फलों को एक ऐसे सेट में सर्दियों में उगाने वाले फलों और गर्मियों में उगाने वाले फलों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, साथ ही उन्हें स्वाद के आधार पर या मीठा और खट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे जो है वो कुछ इस तरह से अपने बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। ये समझ में आ गया आपको? तो लास्ट में एक लाइन आप ये लिख देंगे, इस प्रकार एक ही फल वर्गीकरण के प्रत्येक मानदंड के साथ अलग अलग सेटों से संबंधित होता है, अलग अलग लोगों के जो निर्देश होते हैं उनसे संबंधित होता है। अब देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चंस। अब इसका आंसर देखिए कैरेक्टर्स के हिसाब किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए एक सेकेंड, ये रहे आपके तीन, तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। मैं आपको जो सेक्शन बी है एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, सेक्शन बी, सेक्शन बी हाँ ये रहा, 9 नहीं 11 से स्टार्ट था आपका सेक्शन बी, सॉरी सेक्शन सी, हाँ सेक्शन सी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से शुरू है, स्वास्थ्य जीवन शैली के आयाम। तो ये कुछ आयाम है जो आपने पढ़े, आपने जाने। ठीक है, और चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, 12 है, कार्तिक के सूती पैंट पर तेल गिर गए थे तो उसके कुछ धब्बों को हटाने के लिए बताइए, कुछ कुछ चिन्ह बताने थे। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हमने कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो सभी प्रश्न मैंने आपको दोबारा से दिखा दिए हैं एंड जो क्वेश्चन आंसर है वो भी बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ये ऑल होता है ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और बच्चों अगर आप अपने आर्ट्स सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पे जाने के बाद ये जो प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होता है ये वाला, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट की आपको मिल जाएंगी, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, ये आपके क्या है चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देखने को आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिंदी, ये सभी, और इंग्लिश के भी मैं बहुत जल्दी वीडियोज लेके आने वाला हूँ तो वो भी आप देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप जो सभी क्वेश्चन पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, वो एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो ये एक प्लेलिस्ट है जिसे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से सभी के सभी जो वीडियोस हैं आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो ये फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने ऐसे दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।